सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, कभी कभी हम सबको अकेले में बैठकर खुद से पूछना चाहिए, स्वयं से, मैं अपने जीवन से क्या चाहता हूँ, दूसरों से क्या चाहते हैं अच्छी तरह जानते हैं, पति और पत्नी एक दूसरे से क्या चाहते हैं, पिता पुत्र एक दूसरे से क्या चाहते हैं, सास बहू, भाई भाई, पड़ोसी दो पड़ोसी क्या चाहते हैं, दूसरों से हम क्या चाहते हैं ये हम जानते हैं। कभी कभी अपने से भी पूछ लिया करें, मैं खुद से क्या चाहता हूँ, मैं अपने जीवन से क्या चाहता हूँ। और जब कभी गंभीरता से इस विषय पर चिंतन करेंगे तो पता चलेगा, कम से कम आप अपने जीवन में खुद से बीमारी नहीं चाहते हैं। ऐसा कोई भी जीवन नहीं होगा जो ये चाहे कि मैं बीमार रहूं। इसका मतलब है सुंदर स्वास्थ्य चाहते हैं। ऐसा कोई भी जीवन नहीं होगा जो ये चाहे कि जिन लोगों के बीच मैं रहता हूं, जिन मनुष्यों के बीच रह करके जीवन जीता हूं, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, दुकान हो, कार्य क्षेत्र कोई भी हो, मनुष्यों के बीच ही तो जीना है, उनके साथ संबंध कैसे हो, संघर्षपूर्ण न हो, तनावपूर्ण न हो, होना कैसे चाहिए, प्रेमपूर्ण मधुर संबंध, ये सभी चाहते हैं। जीवन की मांग इतना स्पष्ट है कि हम उसे भूल नहीं सकते, लेकिन कभी हमने इस पर ध्यान ही नहीं दिया है। और हमारे जीवन कभी गरीबी का जीवन नहीं चाहेगा। ऐसा कोई भी आदमी नहीं होगा, कोई भी ऐसा जीवन नहीं होगा जो ये चाहे मैं गरीब से गरीब रहूं, मेरे पास धन हो और इतना जरूर हो कि अपना और अपने परिवार और जो भी आगंतुक आए, जो भी मेहमान आए, उनको मैं सही सत्कार कर सकूं। ये पंक्ति सुने होंगे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा चाहे। इतना तो चाहिए कम से कम, मतलब हमारी न्यूनतम आवश्यकताएं जीवन की, उसकी आपूर्ति हो। और हम सभी एक और चीज चाहते हैं, वो है मन की शांति, मन की प्रसन्नता, आनंद, आनंद चाहते हैं। और ये चीजें जिसके जीवन में हैं, अब उसको और क्या चाहिए। आखिर कोई आदमी किसी संत से जुड़ता है, किसी गुरु का वर्णन करता है, किसी मंदिर में जाकर पूजा पाठ करता है, घर में ही रह के पूजा पाठ करता है, पाठ करता है, मंत्रोच्चार करता है, माला जपता है, या फिर तीर्थों में जाता है, पवित्र नदियों में नहाता है, किसी भी साधना पद्धति में चलकर उपासना करते हुए क्या चाहता है आदमी। मैं एक सरल सा प्रश्न करूं, किसी भी देवी देवता, ईश्वर भगवान पूजा करते हैं तो किसके लिए करते हैं,
किसके लिए करते हैं? भगवान के लिए करते हैं कि अपने लिए करते हैं? ये तो साफ है, क्योंकि जिनकी पूजा कर रहे हैं उनको तो कोई कमी नहीं है। चाहे आप भगवान राम की करें, कृष्ण की करें, शिव की करें, विष्णु की करें, या और भी जो लोग खुदा गाड नाम कितना लो, या किसी संत, चाहे कबीर ही क्यों ना हो, चाहे नानक हो, बुद्ध हो, महावीर हो, उनकी उपासना करके हम क्या कहना चाहते हैं? क्या ऐसा चाहते हैं कि मैं यदि कबीर की उपासना करूं तो कबीर को लाभ हो जाए, राम की पूजा करूं तो राम को लाभ हो जाए? ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा। किसके लिए चाहते हैं? अपने लिए, अपने लिए। और अपने लिए का मतलब क्या होता है? आपका जीवन सुखमय हो, आपका जीवन आनंदमय हो, ये तो चाहिए ना। नहीं तो पूजा चल रही है, वर्षों से पूजा कर रहे हैं, लेकिन मन अशांत, न खान पान का संयम है, न शब्दों का संयम है, अभी भी शब्दों का संयम नहीं है। कई लोग, कई ऐसे भी मिलते हैं भगत, जो लोग कहते हैं कि मैं बहुत दिनों से भक्त हूँ, इतने दिन से सत्संग से जुड़ा हूँ, संतों की सेवा करता हूँ, दान दक्षिणा करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ। एक संत थे, उन्होंने बताया, एक भक्त संत के पास गए और कहा कि आप तो जानते हैं महाराज जी, मैं इतने लंबे समय से आप लोगों से जुड़ा हूँ, जहाँ सत्संग सुनता हूँ सुनने चला जाता हूँ, और संतों की सेवा करता हूँ, यथा योग्य दान दक्षिणा करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, ध्यान चिंतन करता हूँ, लेकिन एक बात की तकलीफ होती है, मेरे घर के बच्चे इसे सुनना ही नहीं चाहते हैं, सत्संग से जुड़ाव ही नहीं रखते हैं। मैं चाहता हूँ जब आप हमारे यहाँ आए हैं तो मेरे बच्चे को भी समझाएं, मेरे बेटे को समझाएं कि वो भी सत्संग से जुड़े, संतों की सेवा में लगे। उन्होंने कहा ठीक है, कभी पहुंचना होगा तो बातचीत कर लेंगे। और फिर लंबे समय के बाद संत का आना हुआ, तो वो जो सज्जन थे, भक्त थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी, मैंने आपसे कुछ बातें कही थी, आप कहें तो मैं अपने बेटे को आपके पास भेजूं। उसने कहा ठीक है, भेज दो। और वो तो चले गए, बेटा आया। संत ने कहा कि देखो, तुम्हारे पिताजी कितने दिनों से सत्संग में लगे हैं, संतों की सेवा भक्ति करते हैं, साधना ध्यान करते हैं, तुम क्यों नहीं आते हो? तुम्हें नहीं आना चाहिए, तुम भी आया करो। तो उन्होंने क्या कहा, आपका कहना सही है महाराज जी कि पिताजी ज्यादा से ज्यादा संतों के पास जाया करते हैं, सत्संग करते हैं, लेकिन एक बात शायद आपको पता नहीं है, वह यह है, घर में सबसे ज्यादा झगड़ा हमारे पिताजी ही करते हैं। क्या कहा? घर में सबसे ज्यादा झगड़ा पिताजी ही करते हैं, और मुझे सत्संग में जाकर के यदि झगड़ा ही सीखना है तो झगड़ा सीखने के लिए पूरी दुनिया है, फिर सत्संग में जाऊं क्यों मैं? जब सत्संग में जाते जाते उसने झगड़ा सीखा, यही कुल डांट डपट की भाषा ही बोलते हैं, तो फिर क्या मतलब है? मैं उनके जीवन में बदलाव देखूं, तभी तो सत्संग के प्रति मेरा आकर्षण हो, तभी तो सत्संग के प्रति रुझान हो, तभी तो धर्म में आस्था जगे। ये बातें चली, फिर भी संत ने बड़े सकारात्मक ढंग से कहा, बेटा तुम्हारे पिता क्या करते हैं ये तो उनका विषय है, लेकिन फिर भी पिता आज जितना अच्छा है, ये क्यों नहीं सोचते हो यदि वो सत्संग में न जाते होते तब और क्या होता? तुम इस ढंग से सोचो, तुम्हारा हित होगा। ये सारी बातें वो कहते हैं, और कुछ समझा करके समझाए, लड़का चला गया।
कुछ देर के बाद में पिता के मन में बड़ा कुतूहल था, आज तो बेटे को समझाए होंगे महाराज जी और वो लाइन अप हो जाएंगे। आए बैठे महाराज जी के पास में, उन्होंने कहा महाराज जी बेटा भेजा था, आया था? हाँ आया था। तो बेटा ने तो समझाए होंगे आप? संत ने कहा देखो समझाना बेटा को नहीं है, समझाना तुम्हें है। संत ने यही कहा तुम्हें जरूरत है उपदेश की। फिर उन्हें कहा ठीक से, इतने दिन से सत्संग में से जुड़े हो, घर वालों के प्रति घर वालों से क्यों चिल्लाते रहते हो? धैर्य और सहनशीलता का बर्ताव क्यों नहीं करते हो? घर के लोग हैं, छोटी मोटी गलतियां हो ही जाती है, क्यों चिल्लाते उलझते हो? शांत नहीं रह सकते? बच्चे योग्य हो गए हैं, उनको काम धाम सौंपो, साधना भी ठीक से लोगो। ये हर समय उनको इंटरफेयर करते रहना, हर समय मिन मेक निकालते रहना, उनकी गलतियों के बखान करते रहना, कैसा जीवन है? आप अपने को क्यों इस प्रकार उलझा के रखे हो? लड़ाई झगड़ा की कुछ बातें जब संत ने ठीक से ये बातें कही, उन्हें महसूस हुआ और स्वीकार किया, आप सच कहते हैं, मेरे में कमी है, मैं घर वालों की गलती देख करके चुप नहीं रह पाता हूँ, चिल्लाने लगता हूँ और यही उलझन का कारण हो जाता है। मैं ये कह रहा था आप जब कोई धर्म के पथ पर चले तो धर्म एक ऐसी महौषधि है जो हमारे जीवन के दुख को घटाता है, हमारे जीवन में जो कमियां हैं उसे निकालने के लिए प्रेरित करता है। नहीं तो फिर केवल लोग दिखावा के लिए कि मैं धार्मिक हूं, धर्म के पथ पर चलूं, पूजा मैं इसलिए करूं कि लोग मुझे धार्मिक कहें, अच्छा आदमी कहें, बाहरी परिवर्तन नहीं, जैसे हम लोग हैं, आप लोग जैसा कपड़ा नहीं पहने हैं, भिन्न कपड़ा पहने तो बाहर से बदलाव हो गया, या कोई चंदन लगा लिया, बाल बढ़ा लिया, बाल छोटा करा लिया, या कोई भगत ही हो गया और पूजा पाठ करता है, इसका क्या मतलब है? क्या यही पूर्णता है? क्या मैं साधु का कपड़ा पहन लिया तो मेरा काम पूरा हो गया? कोई भक्त हो जाए तो क्या काम पूरा हो जाता है? नहीं, चित्त की दशा कैसी है, जीवन कैसा है? जीवन में निर्मलता नहीं है, वाणी में मधुरता नहीं है, आचरण अच्छा नहीं है, तो फिर ये बाहरी दिखावा से लाभ नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। कोई लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, इतने महीने में इतने दिन उपवास, अमुक तिथि को, अमुक तिथि को, आज तो चंद्र ग्रहण है, और बहुत लोग इसको लेकर के ये नहीं करेंगे, ग्रहण के समय वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, और मान्यता क्या है? अभी कुछ दिन पहले ही सूर्य ग्रहण हुआ था ना, 15 दिन पहले ही, और आज ये सूर्य चंद्र ग्रहण है, अब अभी भी मान्यता है राहु ने ग्रस लिया, केतु ने ग्रस लिया। आजकल तो मिडिल कक्षा के भी विद्यार्थी समझते हैं वहां कोई राहु केतु चंद्रमा और सूर्य को ग्रहण करने वाला नहीं है, सब जानते हैं। क्या जानते हैं? पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य का, चंद्रमा चक्कर लगाता है पृथ्वी का, और ऐसा करते करते पृथ्वी का एक दो गति है, एक दैनिक एक वार्षिक। ये सारी चीजें मैं यहाँ कोई पढ़ाने नहीं बैठा हूँ, लेकिन बात कितनी सी है जो हम सभी जानते हैं। इन्हीं सब गतिविधियों में जब एक लाइन पर तीनों आ जाते हैं तो ग्रहण होता है, कभी चंद्र ग्रहण, कभी सूर्य ग्रहण। अब ये भी नियम है, पूर्णिमा के दिन सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होगा, अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण होगा, सब नियम से चलता है। अब इसको आप धर्म से जोड़ देंगे और इसको लेकर के एकदम भ्रम और अंधविश्वास में पड़े रहेंगे? आंखें खोलो, आंखें खोलो, जीवन को बदलो, असली चीज ये है। मैंने शुरू में कहा, क्या कहा था, हम कैसा जीवन चाहते हैं,
ये आप समझो। और इसको यदि बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं थोड़ा स्पष्ट करूं। जैसे मैंने कहा ना, कैसा जीवन चाहते हैं ये पहले तय करो। मैं बताता हूं, इसको थोड़ा स्पष्ट समझे। अभी मैं प्रश्न पूछूं मान लो आप लोगों से, अच्छा कैसा मोबाइल चाहते हैं, कैसी गाड़ी चाहते हैं, कैसा मकान चाहते हैं, अच्छा कैसा जीवन साथी चाहते हैं। अब तो समझ में आ रहा है ना, अब तो साफ आ रहा है। मुझे ऐसा मकान चाहिए, मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए, मुझे ऐसा मोबाइल चाहिए, मेरा जीवन साथी ऐसा होना चाहिए। और मैंने क्या प्रश्न किया, कैसा जीवन चाहते हैं। एक ही उत्तर है सबका, एक ही उत्तर है सबका, क्या है, मन पसंद का। सही है ना, मोबाइल कैसा चाहिए, मन पसंद का। गाड़ी कैसी चाहिए, और घर कैसा चाहिए, मन पसंद का। और जीवन साथी, मन पसंद का। और जीवन कैसा चाहिए, मन पसंद का। मन पसंद का जीवन आप किससे चाहते हैं? क्या कोई बैठा है जो आपको मन पसंद का जीवन दे दे? आप सोचो जरा से। या वो आकाश में है, क्या किसी मंदिर और मस्जिद में है, किसी तीर्थ में बैठा है जो आपको मन पसंद का जीवन दे? क्या दिल्ली की गद्दी में बैठा है या भोपाल की गद्दी में बैठा है? आपको मन पसंद का जीवन देने वाला कोई दूसरा नहीं है। आपको बनाना पड़ेगा जीवन आपको। आप कैसा जीवन जीते हैं ये तय कौन करता है? आप ही तो तय करते हैं मुझे कैसे जीना है। जैसे आप कभी कभी शादी में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, तो आप देखे होंगे आजकल थोड़ा सिस्टम बदला हुआ है। पहले तो भारतीय परंपरा में सिस्टम था, सब लोग बैठें और भोजन परस करें। अब तो बदल गया है, भोजन के काउंटर लग जाते हैं, भोजन रखा होता है, जाओ भोजन लो। और भोजन के प्रकार बहुत होते हैं आजकल, कितनी प्रकार की मिठाइयाँ होती हैं, कितने प्रकार के क्या क्या सब इतना बनाए रखते हैं, ये आइटम वो आइटम वो आइटम। अब आप क्या करते हैं वहां जा करके, आप कहेंगे मैं सबको खाऊंगा चाहे जो हो जाए आज। तो क्या होगा, ऐसा नहीं कर सकते। आप देख लेते हैं, आप देखते क्या हैं, इन सारे भोजनों में से जितने भी आइटम्स हैं क्या देखते हैं, दो चीज, मेरा इससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मेरी रुचि क्या है, अर्थात मुझे कौन सा भोजन पसंद है और साथ साथ जो मेरे स्वास्थ्य में लाभदायक है। यही तो करेंगे, कुछ भी बना हो आप क्या ध्यान रखेंगे, इस भोजन को करके मेरा स्वास्थ्य अच्छा होगा, इससे मुझे पसंद। चुनाव करते हैं, मैं कहना चाहता हूं भोजन का चुनाव करते हैं। और वही चुनाव आपके शरीर को बनाता है। अब उसमें कोई अलग, जैसे कोई गलत चीज खा ले और गलत चीज खाए तो फिर पेट दर्द हो, अब उसके बाद में क्या कर, क्या बताऊं बहुत पेट दर्द हो रहा है, अब नाप जब शुरू कर दे, माला फेरने लग जाए, दर्द चला जाएगा, वो नहीं जाएगा। असली चीज क्या है, गलत चीज डालो मत। गलत चीज जब नहीं डालोगे तो आपको नामजप की जरूरत भी नहीं है। यही तो नियम है, सीधी सी बात है। आप जब चुनाव करते हैं तो चुनाव के साथ उसका परिणाम भी मिलता है, एक नियम है। आपको आपके कर्मों का फल देने के लिए कोई दूसरा आता नहीं है। ये थोड़ा खोल करके समझ लो साफ साफ। हम लोगों ने एक पंक्ति सुनी होगी, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। सुने हो? अगरबत्ती तो लगा है मच्छर भगाने के लिए, लेकिन थोड़ी सी खांसी है, नहीं इधर तो नहीं है शायद। खैर चलो ठीक है। लेकिन होता क्या है, ये तो ठीक है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा, लेकिन आप भगवान को बीच में क्यों ला रहे हैं? क्या उनका और कोई काम धाम नहीं है क्या, जो आपके पीछे देखता रहे कि कौन सा काम कर रहे हो अच्छा, कौन सा काम कर रहे हो गलत, वो देखता रह जाए। मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई हर समय, अच्छा इतने
करोड़ों अरबों खरबों लोग हैं, इतने लोग हैं, अरबों लोग, सबके पीछे वो पड़े रहेंगे? ऐसा नहीं है, नियम है बस। मैं एक उदाहरण दूं, हमारे गुरुदेव जी दिया करते थे। आपका खेत है, मान लो 50 एकड़ खेत है और सब में गेहूं बो दिया गया, पूरे खेत में गेहूं बोया गया है और सभी गेहूं को, प्रत्येक गेहूं को वो अंकुर को तोड़ तोड़ के निकालना पड़े, किसान कर पाएगा? नहीं कर सकता है। लेकिन नियम क्या है? पानी, ऋतु, प्रकाश, मिट्टी, हवा, इस सारे वातावरण सब मिलकर के ऐसा कुछ नियम है कि सभी गेहूं में अंकुर अपने आप फूटेंगे, चाहे वो 5 एकड़ हो, चाहे 50 एकड़ हो, चाहे 50,000 एकड़ हो, व्यक्ति नहीं कर सकता। इसी प्रकार से इतने जीव हैं, केवल मनुष्य तो नहीं है, मनुष्य के अलावा आप बताएं, मनुष्य बालाघाट में कितने हैं जानते हैं? मैं पूछूं, मच्छर कितने बालाघाट में? नहीं जानेंगे। सबके तो अपने जीव हैं, सबके तो कर्म फल हैं, सबके कर्म फल को एक एक करके यदि ईश्वर देना चाहेगा तब तो दे ही नहीं सकता है। लेकिन नियम है, क्या नियम है? जैसा करोगे उसी के अनुसार उसका परिणाम अपने आप आएगा। आग में हाथ गया वो जलेगा, कोई बीच में जलाने वाला नहीं आएगा, वो नियम है। पत्थर पर हाथ गिरेगा चोट लगेगी, कोई दूसरा उसे देने वाला नहीं है, अपने आप होगा, ये अपने आप होगा। कोई एक गिलास में पानी ले और एक मिर्चा का पाउडर एक चम्मच डाल दे और घोल करके पी जाए, अब पेट में जलन हो, अब कहो भगवान देखो मेरे पेट को जला रहा है, कोई बात हुई? कितना गलत है ये। और कोई एक गिलास पानी लेकर के नींबू डाल करके थोड़ा चीनी डाल ले, छान ले और पिए, शीतलता मिलेगी, परिणाम साथ आता है, सांस समझ लो हमेशा। जो आप चुनाव करते हैं उसी के साथ उसका परिणाम ऑटोमेटिक होता है। मैं एक सरल उदाहरण बताऊं, मेरे सामने टेबल है, दो गिलास रखे हैं, एक गिलास में शराब है, दूसरे गिलास में दूध है, उन दोनों में से किसी एक को चुनना है। जिसकी आदत शराब की है क्या करेगा? शराब उठाएगा। जैसे ही वो शराब उठाया, शराब का चुनाव किया, उसी शराब के चुनाव के साथ ही शराब से मिलने वाला नुकसान का भी चुनाव उसने कर लिया। लेकिन यदि मैं दूध को उठाता हूँ पीने के लिए तो क्या होगा? दूध से मिलने वाले फायदे को अभी मैंने चुन लिया। जैसे दूध का चुनाव हुआ तो दूध से फायदा है वो भी चुन लिया, जैसे शराब का चुनाव किया तो शराब से होने वाला नुकसान को भी चुन लिया। ये अपने आप होता है। इसलिए अब जिम्मेदारी क्या है? मैं अपने जीवन में ऐसा कर्म न करूं जिससे मुझे दुख मिले। बस ये ध्यान रखना शुरू कर दे कोई आदमी, असली पूजा वही है। सुने का आपने? कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। सुने हैं? सुने होंगे। और कबीर ने तो कहा ही है, जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जो कुछ जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, जहां जहां मैं चलता हूं वो मेरे लिए परिक्रमा है। किसी देव मंदिर में जाकर परिक्रमा करूं, बाकी जगह देव नहीं है, केवल वही है देव, सर्वत्र जहां चला परिक्रमा, और जो काम करूं पूजा। अर्थात आपका मन इतना सुंदर बन जाए, आपका जीवन इतना सुंदर बन जाए कि आपका हर काम पूजा बने, मतलब आपका झाड़ू लगाना पूजा बन जाए। इतने पवित्र मन से आप झाड़ू लगाते हैं वो पूजा है, भोजन बनाते हैं पूजा है। आपको क्या कहना है? भोजन बनाते वक्त क्या सोचना है? घर में जितने लोग हैं ना सब देवी और देवता हैं, क्योंकि सबके भीतर तो वही परमात्मा बैठा है, कहाँ अलग है। हम लोग गलती क्या करते हैं? मंदिर में देवी देवता है, वहां भगवान है, और घर में जितने लोग हैं ये लोग कहाँ परमात्मा है, तो दुश्मन है। घर वालों को दुश्मन मानोगे और मंदिर में परमात्मा मानोगे, पूजा सफल होगा?
घर के लोगों को देवी देवता मानो। असली चीज यहाँ से शुरू करो। घर में जितने सदस्य हैं, चाहे वो पति के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, पिता के रूप में हो, सास हो, बहू हो, भाई हो, कोई भी हो, सब देवी देवता है। अच्छा, यह मैं ही नहीं कह रहा हूँ, हमारे उपनिषद के ऋषि भी कहते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये चार देवताओं का वर्णन है उपनिषद में। कितने देवता का? चार। पहली देवता कौन? माँ। अब जो अपनी माँ को ही देवी माने, होता क्या जाने। अभी तो कुछ दिन पहले ही तो नवरात्र बीता है, यहाँ भी दुर्गा का पक्ष चला होगा, दुर्गा की पूजा बहुत हुई होगी, वहां जाकर के हाथ जोड़ दे होंगे, कितने सभी लोग जोड़े होंगे और प्रणाम करते हुए कहेंगे, तमेव माता चा पिता तमेव, तमेव बंधुश्चा सखा तमेव। जो दुर्गा मनुष्यों ने बना करके तैयार किया, जो एक मक्खी पैदा नहीं कर सकती, उसे आप जगदम्बा कह रहे हैं। और ये माताएं जो घर में है सबको पैदा करती हैं, कभी उनके सामने हाथ जोड़ करके नहीं बैठते हैं, आप जगदम्बा कहते हैं अपनी माँ को, पत्नी को, बहन को, सास को, बहू को। जब इनमें जगदम्बा दिखने लगे, इनके प्रति देवी का भाव जगे, कितना अच्छा व्यवहार होगा। इसलिए आप जो आकाश में देवी देवता बैठा के रखे हो, मंदिर में और तीर्थों में देवी देवता बैठा के रखे हो, उसे आप अपने घर में लाओ, अपने समाज में लाओ। ये जब करना शुरू करेंगे तो भोजन बनाते समय आपका भोजन बनाना पूजा कब हो जाएगा? जब आप मानेंगे मेरे घर के जितने सदस्य हैं सब देवी और देवता हैं, घर में जितने पुरुष हैं सब देवता हैं, जितनी नारियां हैं देवियां हैं, मैं उनके लिए प्रसाद बना रही हूं। सुंदर सा, कितना अच्छा भाव, इतना प्रेम से बनाएंगे, वो भोजन बनाना आपका पूजा हो जाएगा। चाहे बर्तन साफ करना हो, चाहे कपड़ा धोना हो, बच्चों का पालन पोषण, कोई भी काम करो, यहाँ तक के ऑफिस में काम करने वाला कोई हो, क्या समझे, जो भी ग्राहक आते हैं ऑफिस में काम कराने के लिए, वो कौन है? देवी और देवता। लेकिन ऑफिस में काम करने वाले बड़े बड़े अफसर क्लर्क क्या करते हैं? जाएंगे सुबह मंदिर में पूजा कराएंगे, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, और भगवान को पूजा करके फाटक को बंद। चूंकि ऑफिस में जाएंगे तब तो वहां भगवान आने वाला नहीं है, उनको लूटो, बिना पैसे के काम नहीं करेंगे। अब सोचिए कितनी बड़ी बात हो गई है। असली भगवान को तो लूटने में लगे हो, होना क्या चाहिए? इनके साथ सुंदर, यही असली पूजा होगी। जो भी आपके ऑफिस में आए, क्यों, आपको तो तनख्वाह देती ना सरकार, काम करो, जो भी काम करवाने आते हैं उनसे काम करो, उनसे ईमानदारी से करो उनके साथ में। लेकिन तनख्वाह तो इसलिए देती कि कुर्सी पर बैठना है, काम करवाना हो तो पैसा दो। आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से पैसा देने पर कैसे होता है, पैसा नहीं देने पर कैसे हो जाता है, क्यों? इसी प्रकार दुकान में कोई हो, दुकानदार हो, जो भी ग्राहक आए उन्हें देवी देवता माने, छल कपट न करें, धोखाधड़ी न करें, मिलावटबाजी न करें, उचित मुनाफा ले, उचित मुनाफा ले, लेकिन धोखा देना, छल करना, गलत चीज देना, ये कहाँ है आप? ये चीजें जिस दिन समझने लगेंगे जीवन में बदलाव आने लगेगा। लेकिन यह सब तो करते नहीं है, पाप करते हैं, और पाप बहुत सारा कर लेंगे, धोखा देंगे, बहुत से चोरी करेंगे, छल करेंगे, हिंसा करेंगे, और न जाने कितने पाप करके, चाहे धन बढ़ा लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे। अब देखिए करने के बाद में अंदर भीतर वाला मन, अंदर जो है बैठा है परमात्मा, वो तो दुखी होता है, क्योंकि दूसरों को भले पता ना हो, एक आदमी चोरी कर लिया, चोरी करने के बाद कोई भले ना देखा हो, लेकिन चोरी करने वाले को पता है कि मैंने चोरी की है, हिंसा करने वाले को पता है कि मैंने हिंसा की है, व्यभिचारी को पता है कि मैंने व्यभिचार किया है, और क्या होता है, वही उसको तकलीफ देता है, अंदर से अशांत रहता है। बैठ जाओ,
अंदर से अशांत रहता है। कुर्सी पीछे खाली बैठ जाओ, चलो ठीक है। आदमी जब कोई गलत करता है तो उसके भीतर में जैसे संस्कार छप जाता है। हमेशा ध्यान रखो इस चीज को, आप गलत करें दूसरा देखे कि न देखे। ये कहते हैं ना, ईश्वर सब जगह है, सब कुछ देख रहा है। ईश्वर सब जगह देख रहा है, इसका मतलब क्या है? आपकी आंखें ईश्वर की आंखें हैं। दूसरों से छिपा सकते हैं, खुद से नहीं छिपा सकते। और खुद से जब नहीं छिपा सकते, उसे आप जानते हैं ना, अंदर वाला बार बार कर, तुमने एक गलती की, तुमने एक गलती की, तुमने एक गलती की। ये जो प्रताड़ना होती भीतर से, दुखी और अशांत होता है, तब जाता है मंदिर में, तब जाता है तीर्थों में, तब जाता है नदियों में नहाने के लिए। कबीर ने कहा, तीरथ गए न उबरे जो कोट हीरा देवदान। कोई हिंसा करे, जीव घात ना कीजिए बहुर लेत वह कान। तीरथ गए न बाँची हो जो कोट हीरा देवदान। हिंसा कर लो और जाकर के तीर्थों में दान दक्षिणा करो, इससे कटने वाला नहीं है। असली चीज क्या है? पाप करना ही बंद कर दो, पाप करना ही बंद कर दो पहला काम, और उसके बदले में पुण्य करना शुरू कर दो। नहीं तो आप पाप करते जाओ, गलत करते जाओ, और इसलिए पाप करते जाओ कि हम नदी में जाएंगे, गंगा में, और पाप कट जाएगा। या इसलिए करेंगे कि गुरु जी का मंत्र जपेंगे, पाप कट जाएगा। कोई तप करेंगे, पाप कट जाएगा। इस धोखे भर में मत रहो। ना नदी में नहाने से पाप कटने वाला है, ना ही मंत्र जप से पाप कटने वाला है, न माला जपने से पाप कटने वाला है, नहीं। या फिर गुरु के चरणोदक पी लो और पाप कटेगा, ऐसा नहीं होता है। पाप को छोड़ना पड़ता है, गलत कर्मों को छोड़ना पड़ता है, और फिर करो तो फायदेमंद हो सकता है। गलत कर्म छोड़ो फिर वो करो तो फायदेमंद हो सकता है। लेकिन इधर गलत भी चलता रहा है, उधर और भी पूजा पाठ चले, तो काम नहीं देगा। आपके पाप कर्मों को कोई काटने वाला नहीं है। आप पाप करेंगे उसे कोई पुण्य में बदलने वाला नहीं है। अच्छा मैं एक कहानी सुनाऊं तो शायद समझ में आए। एक घर था, मंदिर था। घर के अंदर मंदिर बना के भी रखते हैं लोग, ताकि घर में ही पूजा कर लें। तो पूजा किया करते थे दोनों प्राणी। उनके दोनों की पूजा को देखता था एक दिन छोटा बच्चा था। उसने एक दिन माँ से पूछा, माँ ये बताओ कि भगवान की पूजा क्यों करते हो? उन्होंने कहा, भगवान की पूजा क्यों करते हो? उन्होंने कहा कि भगवान सब कुछ कर सकता है, वो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, और सब कुछ जानते हैं। वो हमारे बिगड़े काम को भी बना देते हैं, बिगड़े काम को भी बना देते हैं। ये बात छोटे बच्चे के मन में बस गई। अगले दिन से छोटा बच्चा भी मंदिर के सामने, भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा, और अंदर अंदर में कुछ बोला करता था। एक दिन दो दिन जब माँ ने देखा, माँ ने कहा, बेटा तुम भी प्रार्थना करते हो भगवान से? अच्छा तुम कैसी प्रार्थना करते हो, तुम क्या चाहते हो? तो उसने क्या कहा छोटे बच्चे ने, मम्मी तुम्ही ने तो कहा था ना, भगवान बिगड़े काम को बना देता है। हाँ सच्चे दिल से कोई प्रार्थना करे तो बिगड़े काम को भी बना देता है भगवान, ठीक कर देता है। तो छोटे बच्चे ने क्या कहा कि मम्मी अभी शनिवार के दिन में हमारे स्कूल में परीक्षा होगी, टेस्ट हुआ है। क्या पूछा गया था? भारत की राजधानी कहाँ है? और मैंने लिख दिया है भोपाल। अब भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे भगवान उस भोपाल को काट करके दिल्ली बना दो, भोपाल को काट करके दिल्ली बना दो। मम्मी भगवान कर देगा ना, भोपाल काट करके दिल्ली बना देगा? क्या उत्तर है आप लोगों का? बना देगा कि नहीं बना देगा? समझ में आ रहा है ना? आप जब वो भोपाल काट कर दिल्ली नहीं बना सकता, तो आपके पाप को काट करके पुण्य में बदल सकता है कोई?
इसलिए कभी भी धोखे में न रहें कि हम गलत करते जाएंगे। पूजा पाठ के बल पर, आशीर्वाद के बल पर हमारे कर्म सुधर जाएंगे, नहीं होता है। असली चीज क्या है, गलत करना छोड़ दो और अच्छा करना शुरू कर दो। जीवन तब बदलता है, जीवन अच्छा तब बनता है। मैं इसके बारे में थोड़ी बातें ऐसे बताऊं जो आप जहां हैं वहीं से बदल सकते हैं, जहां हैं वहीं बदल सकते हैं। कर्म होते किससे हैं, आप जरा सोचिए इन बातों को। कर्म के तीन साधन हैं, एक आपका मन जिससे आप सोचते हैं, दूसरा वाणी जिससे आप बोलते हैं, और तीसरा क्या है, इंद्रियां जिससे आप काम करते हैं। ये तीन ही साधन हैं आपके कर्मों के, और कोई चौथा साधन नहीं है। मन से सोचना, वाणी से बोलना और इंद्रियों से कार्य करना, जैसा आप करते हैं उसका फल मिलता है। अच्छा, कबीर ने तो कहा ही है, आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटा दे कैसे जो यु कोटि सिराई। और ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है कबीर साहब की। उन्होंने कहा है, कबीर कमाई आपने निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से। याद है ना सबको, क्या कहते हैं, बबूल का पौधा लगाओगे तो आम का फल मिलने वाला, अर्थात कांटा बो करके आम का फल नहीं पा सकते, गलत करके सही परिणाम नहीं पा सकते। ये सद्गुरु कबीर की वाणी है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी क्या कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बोए सो लुए निदान। जिसको स्वामी तुलसीदास की पंक्ति है, क्या कहते हैं, तुलसी यह तन खेत है। एक एक चीज को समझे बिल्कुल बारीकी से, ये तन क्या है, खेत है। तुलसी यह तन, क्षेत्र कहो खेत कहो एक ही बात है, तुलसी यह तन खेत है। अब किसान कौन है, मन वच कर्म, जिसको मैंने कहा मन वचन कर्म, ये तीन किसान है। बीज कौन कौन सा है, पाप पुण्य दो बीज है, बोए सो लुए निदान, जो बोगे वो काटोगे बस। अर्थात यदि मन में अच्छे विचार हैं, वाणी से अच्छे शब्द बोलते हैं और इंद्रियों से सही काम करते हैं, यही है पुण्य करना। और यदि मन में गंदे विचार हैं, गलत विचार हैं, वाणी से गलत शब्द निकलते हैं, इंद्रियों से गलत काम होते हैं, यही है पाप। बस ध्यान क्या रखना है, सोचना कैसे है, बोलना कैसे है, इंद्रियों से काम कैसे करना है, ये तीन चीजों पर ध्यान दिया, उसी का जीवन मन पसंद का जीवन होता चला जाएगा, उसी का जीवन सुंदर होता चला जाएगा। आपका जीवन पूजा से नहीं बदलेगा। आज थोड़ा से क्लियर कट बताता हूं मैं, आपका जीवन पूजा से नहीं बदलेगा, दान दक्षिणा से नहीं बदलेगा, जब तप से नहीं बदलेगा। आपका जीवन बदलेगा जब आप बदलेंगे। आप बदलेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा, और जैसे आप बदले जीवन का रिजल्ट बदल जाएगा। कैसे, दो तीन बातों को ध्यान, जिसे मैंने कहा इसी चीज को देखो, मेरे पास हाथ है, आप सबके पास भी हाथ है, कैसे बदलता है इसको मैं बताना चाहता हूँ। इन हाथों से हम क्या क्या कर सकते हैं। एक है, किसी के सामने जाऊं और हाथ जोड़ करके प्रणाम करूं, और किसी को तकलीफ हो तो इन हाथों से सेवा भी कर सकता हूँ। किसी को किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं इसको, चाहे वो रुपये पैसे हो, कपड़े हो, भोजन पानी हो, इन हाथों से मैं कुछ दान भी कर सकता हूँ। एक तरीका। दूसरा तरीका है, इन हाथों से मैं किसी को थप्पड़ मार सकता हूँ और किसी के सामान को चुरा सकता हूँ। हाथ तो वही है ना, अलग अलग है क्या? अच्छा, चोरी करने वाले हाथ अलग हैं और दान करने वाला हाथ अलग है? नहीं, वही है, लेकिन दोनों में परिणाम अलग अलग होगा। किसी के सामने जाकर के हाथ जोड़कर प्रणाम करोगे वाह, और किसी को थप्पड़ मारोगे वाह, दोनों बहुत अंतर आ जाएगा परिणाम। लेकिन ये चुनाव कौन करता है, आप ही तो करते हैं, कोई दूसरा थोड़ी करता है।
कि इससे मुझे चोरी करनी है या फिर दान करना है, प्रणाम करना है या थप्पड़ मारना है। आप ही करते हैं चुनाव। दूसरी बात, वाणी, वाणी पर ध्यान दो। शब्द कैसे बोलते हैं ये कौन तय करता है? आपके भीतर से शब्द निकलता है ना। क्या आपके भीतर में आपके अलावा कोई दूसरा जाकर के निर्णय लेता है? आप बताएं, आप ही तो निर्णय लेते हैं। कौन निर्णय लेता है क्या बोलना है, कौन सोचेगा? आप ही सोचेंगे इस चीज को। कबीर ने जो साफ साफ कहा है कि ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन, बोल तो अमोल है। ये पंक्ति है सदगुरु कबीर की, बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। बोल क्या है? अनमोल है, लेकिन कोई बोलने का तरीका जाने तब तो। हृदय रूपी तराजू में तौल करके तब बाहर निकालो। क्या कोई तौलेगा तो गाली निकलेगी, कटु निकलेगा, झूठ निकलेगा? ध्यान ही नहीं देते हैं जीवन पर, मैं सही बता रहा हूं तो। जीवन पर हम ध्यान नहीं देते, इसीलिए मन पसंद का जीवन नहीं बन पाता है। यही शब्द है, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। और ये पंक्ति तो जग जाहिर है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरय सालय सकल शरीर। किसके लिए उपदेश है ये? संतों ने जो उपदेश दिया है पेड़ पौधों के लिए दिया है, घर मकान के लिए दिया है, पशु पक्षियों के उपदेश दिया है, मनुष्यों को दिया है। और वैसा जीवन जब नहीं बनाएंगे तो वैसा जीवन नहीं बनेगा जैसा आप चाहते हैं, ये भी सच है। तो मैं कह रहा था जैसे इंद्रियों के बारे में बताया, वाणी के बारे में, वाणी से मैं सोच सकता हूँ। किसी आदमी को मैं शब्दों में बोलता हूँ तो बहुत बेवकूफ आदमी है। देखो बोलने का तरीका, आप बड़े बेवकूफ आदमी हैं, एक तरीका। दूसरा है, मैं उससे कहता हूँ आप भले आदमी हैं, आप भले इंसान हैं। शब्द ही तो है ना। एक से कह रहा हूँ आप बड़े बेवकूफ आदमी हैं, फिर एक से कहता हूँ आप भले आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। कितना अंतर आया दोनों में? बहुत अंतर। एक चीज और समझें आप, जितना समय, ये महत्वपूर्ण बात जो मैं कहने जा रहा हूं इसको सुने आप, जितना समय और जितनी शक्ति किसी आदमी को कहने में लगे क्या आप बड़े बेवकूफ हैं, उतने ही समय और शक्ति में मैं क्या कह पा रहा हूं आप भले आदमी हैं। समय भी उतना लगा, शक्ति भी उतनी लगी, परिणाम में कितना अंतर आ गया। मैं यही चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप शब्दों का सही चयन करें, मुंह से गाली न निकले। ये ध्यान दे भला कैसे होते, अपनों के बीच में गाली निकालते रहते हैं लोग, आश्चर्य होता है। शब्दकोश, समझ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, शब्दकोश होता है। मेरे पास एक शब्दकोश है, उसमें 1,40,000 शब्द है, केवल हिंदी की बता रहा हूँ मैं, हिंदी की, अंग्रेजी, उर्दू, गुजराती, उसके शब्द ही अलग है। अभी केवल हिंदी की बात बता रहा हूं, 1,40,000 शब्द है, और उनमें से कुछ ही शब्द हैं जो गाली के हैं। उस सारे शब्दों को हटा करके आपने गाली का चुनाव किया, सोचिए जरा से आपका चुनाव कैसा है। गाली का चुनाव किया और आपको यह भी नहीं लगा कि मेरे मुंह से गाली नहीं निकलनी चाहिए, अर्थात आपने कभी अपने शब्दों पर ध्यान ही नहीं दिया है, आपने अपने कर्मों पर ध्यान ही नहीं दिया है। ये तो लोग शब्दों पर भी ध्यान दे देते हैं, कर्मों पर भी ध्यान दे देते हैं। बहुत से लोग बैठे हैं दुनिया में जिनके मुंह से गाली नहीं निकलती, कटु नहीं निकलता, न चोरी करते हैं, न हिंसा करते हैं, सब कुछ सही करते हैं। लेकिन एक चीज जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बहुत कम लोग ध्यान दे पाते, वो है सोचना, विचारना। और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम छोटे होते हैं ना बच्चे, हर बच्चे को क्या सिखाया जाता है? चलना। हर बच्चे को सिखाया जाता है बोलना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना,
पहनना ओढ़ना सब सिखाया जाता है, एक चीज नहीं सिखाई जाती, क्या? सोचना, कैसे सोचना है, कहाँ सिखाया गया है? ना स्कूल में इसके बारे में चर्चा होती है, ना घरों में चर्चा होती है, ना कोई सामाजिक व्यवस्था है। देखो भाई, अपने विचारों को ठीक करो, सोचते उसको ठीक करो। कितने लोग समझते हैं, एक लेखिका हुई, उन्होंने लिखा है आजकल बच्चों को पढ़ाई में बच्चों को लड़ाइयों की तिथियां रटाई जाती है। पढ़ाते हैं ना इतिहास हिस्ट्री में, लड़ाइयों की तिथियां रटाई जाती है। मुझे समझ में नहीं आता लड़ाइयों की तिथियों को रटने से बच्चों का क्या फायदा होने वाला है। उन्हें क्यों नहीं बताया जाता कि विचार आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं और आप अपने विचारों को बदलकर जीवन को कैसे बदल सकते हैं। विचारों को बदलकर जीवन को कैसे बदल सकते हैं, कैसे सोचें, ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जीवन का। हमें सोचना नहीं सिखाया गया, और इसलिए जब सोचना गलत होता है तो शब्द गलत निकलते हैं, सोचना गलत होता है तो हमारे इंद्रियों से गलत कार्य होते हैं। क्यों? चोरी तब तक आदमी नहीं कर सकता जब तक चोरी के विषय में न सोचे। चोरी करने के पहले बहुत देर तक सोचता है चोरी के विषय में, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। किसी के लिए मेरे मुंह से गाली निकले इसके पहले मुझे भीतर गाली पैदा करनी होगी। मैं गाली भीतर पैदा ही न करूं, निकले कैसे मुंह से? जो रहे करवा सो निकले टोटी, कबीर साहब जी ने कहा है, जो करवा में है वही तो बाहर निकलता है, कहां से अलग लग जाएगा। जैसे करवा समझ रहे ना आप लोग, एक ऐसा घड़ा जिसमें टोटी लगी हो। अच्छा नहीं समझते, वो केटली होता है ना चाय परसने वाली, अब तो समझ रहे हैं ना, टीपॉट, उसमें यदि चाय रखी है तो टोटी से क्या निकलेगा? चाय। और दूध रखा हो तो, पानी रखा है तो, जो रखा है वही निकलेगा। हमारे अंतस में क्या है वही निकलेगा। मैं इसको और सरल भाषा में कहा करता हूं, जैसे कई घरों में ऊपर टंकी बनी होती है जहां हम लोग हैं, टंकी है, या फिर वाटर सप्लाई भी आता है बाहर से कॉरपोरेशन से, तो हम घर में नल लगा कर रखते हैं, नल के नीचे हाथ रखते हैं, नल खोलते हैं या बाल्टी रखते हैं, पानी खोलते हैं, उस बर्तन में पानी को देखकर हम क्या अंदाज लगाते हैं, ऐसा ही पानी टंकी में होगा, सही है ना? ऐसे ही पानी टंकी में होगा, ऐसे ही जो मुंह से शब्द निकलता है उससे क्या अंदाज निकलता है, ऐसे ही शब्द उसके अंतस में है, अंतस से ही बाहर निकला है। इसलिए ये बाहरी वेशभूषा अध्यात्म नहीं है, असली अध्यात्म है अंतस परिवर्तन। चित्त की दशा कैसी है, अंतःकरण कैसा है, मन की दशा कैसी, मन को पवित्र बनाओ, अच्छा सोचो, ये ध्यान रखो हमेशा। दूसरों के लिए भी अच्छा सोचो, अपने लिए भी अच्छा सोचो। अच्छा सोचने का मतलब है जो जीवन में चाहते हो, क्या चाहते हो? प्रेम, तो प्रेम के विषय में सोचो। विश्वास, तो विश्वास के विषय में सोचो। शांति, तो शांति के विषय में सोचो। जो चाहते हो उसके विषय में सोचो। एक काम कोई करने लग जाए, धर्म की शुरुआत यहीं से होगी। धर्म की शुरुआत पूजा से नहीं होती है, धर्म की शुरुआत मंत्रोच्चार से नहीं होती है, धर्म की शुरुआत होती है विचारों को बदलने से, शब्दों को बदलने से, व्यवहार को बदलने से। जिसने ये काम किया, जिसने अपने मन में अच्छे विचार रखा, वाणी को सही बोलना शुरू किया, उसका व्यवहार कैसे होगा, संबंध कैसे होंगे, जरा ध्यान दो, परिवार के रिश्ते कैसे होंगे, बाहर के रिश्ते कैसे होंगे। वो सबके लिए अच्छा सोचता है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, बोलता बढ़िया है, रिश्ते मधुर होते जाएंगे। क्या वो बनाना पड़ेगा? अपने आप होता चला जाएगा। क्या उसको कहना पड़ेगा? बड़ों के प्रति सम्मान करो, माता पिता की सेवा करो। इतना बढ़िया चित्त है, कहने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप होगा। शुद्ध चित्त में सेवा फलित होती है, शुद्ध चित्त में सम्मान फलित होता है, शुद्ध चित्त में प्रेम प्रकट होता है, अपने आप होता है वो। इसलिए आवश्यकता है, यदि आप सचमुच अपने रिश्तों में मधुरता लाना चाहते हैं, मन में शांति चाहते हैं,
तो अच्छे विचारों को सोचो, ध्यान दो। ध्यान नहीं देंगे जीवन नहीं बदलेगा। मैं फिर से कहता हूँ, आप अपने जीवन पर ध्यान नहीं देंगे तो जीवन अपने आप बदलने वाला नहीं है। और ध्यान देना का मतलब है, एक प्लेटो ने बहुत पहले, हजारों साल पहले उन्होंने कहा है, स्वयं को जानो, स्वयं को जानो। और स्वयं को जानने का मतलब क्या हुआ? स्वयं को जानने का मतलब है आप विचारों को जानते हैं, भावनाओं को जानते हैं, शब्दों पर ध्यान देते हैं, कार्यों पर ध्यान देते हैं। जिसने अपनी भावनाओं पर ध्यान दिया, विचारों पर ध्यान दिया, शब्दों पर ध्यान दिया और अपने कार्यों पर ध्यान दिया, उसका जीवन बदलता चला जाता है। उसी के जीवन में सुख और शांति के अनुभव होते हैं। बाकी आप किसी भी देवी देवता को मानो, किसी भी ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को मानो, कोई आग्रह नहीं, सब बराबर हैं। ऐसा नहीं कि राम बड़े हैं कि कृष्ण बड़े हैं, शिव बड़े हैं कि विष्णु बड़े हैं। अरे सब बड़े हैं भाई, कोई बड़े छोटे नहीं है। कबीर बड़े हैं कि नानक बड़े हैं, ये कहना ही बेकार है। हमसे सब बड़े, बुद्ध बड़े हैं कि महावीर बड़े हैं, ईसा बड़े हैं कि मोहम्मद बड़े, ये कहना ही गलत है। सब बड़े हैं, कोई बड़े छोटे नहीं है, सब बड़े हैं। सच क्या है? आप कैसे हैं? महत्वपूर्ण यह है, आप कैसे हैं? आपका मन कैसा है? आपकी वाणी कैसी है? आपके कार्य कैसे हैं? यदि वो ठीक हैं तो सब अच्छे हैं, और वो ठीक नहीं हैं तो कबीर की पूजा से फायदा नहीं होगा, राम और कृष्ण की पूजा से फायदा नहीं होगा। असली पूजा है चित्त की शुद्धता। ये कोई जीवन में करे, देखो जीवन कितना सुंदर होता चला जाएगा। इसलिए मेरा यही निवेदन है, आपका जीवन आपके हाथ, आप अपने जीवन के निर्माता हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा जीवन बनता चला जाता है। जैसा आप बोलते हैं, जैसा आप कार्य करते हैं, जीवन वैसा ही बन। जीवन को कोई आकार नहीं होता, हमेशा ध्यान रखो। जैसे मैं पूछूं, पानी का आकार क्या है? बताओ पानी का कौन सा आकार होता है? जिस बर्तन में रखा होता है उसी बर्तन के आकार पानी का हो जाता है। पानी का आकार बर्तन के अनुसार। ऐसे ही आपके जीवन का आकार कैसे होता है? जैसे आपके विचार, जैसा आप सोचते चले जाते हैं वो सांचा है, और विचार उसी में ढलता, जीवन उसी में ढलता चला जाता है। इसीलिए ये बहुत प्रसिद्ध कहावत है, आपका जैसी आपकी सोच वैसा आपका जीवन। ये मैंने पुस्तक भी पढ़ी है, चेंज योर थिंकिंग चेंज योर लाइफ। आप अपनी सोच बदल कर अपने जीवन को बदल सकते हैं। क्या बदलना है? विचार। क्या करना है? मुझे सही जीवन जीना है, सही तरीके से जीवन जीना है, सही व्यवहार करना है। बस देखो जीवन बदलता चला जाएगा। और बिगड़ता है वो भी विचारों के माध्यम से, गलत सोचता है, गलत बोलता है, बस ढलान की ओर चला जाता है। लेकिन आदमी जिस दिन महसूस करे उसी दिन बदलाव कर सकता है। देरी कभी भी नहीं होती है, चाहे उम्र कितनी हो गई हो, आप कभी भी बदल सकते हैं। कभी भी, चाहे जितनी बड़ी गलती जीवन में हो गई हो, आप जिस दिन चाहेंगे मैं बदलना चाहता हूँ, ऐसा जीवन नहीं जो आज तक जीते आया हूँ, अब मैं बदलूंगा, बस देखो जीवन परिणाम बदलने लग जाएंगे। विचार बदला, जीवन बदला। अंत में एक कहानी कह के मैं विराम लेता हूँ, बहुत छोटी कहानी। एक कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन, जानते हैं कुम्हार, सभी लोग जानते हैं। तो एक दिन वो मिट्टी गूंद रहा था और एक संत उधर से चल रहे थे, रास्ते से पूर्व परिचित थे। उसने कहा कुम्हार से, रुका क्या बना रहे हो? उसने कहा महाराज जी मैं चिलम बनाता हूँ। उसने कहा अरे चिलम बनाते हो, छोड़ो चिलम, घड़ा बनाओ। संतो कहकर चले गए और वो जो मिट्टी गूंद रहा था थोड़ा सा चेंज किया। अब मिट्टी वो तैयार किया और चाक पे रखा और घड़ा बनाने लग गया। कहा जाता है कि मिट्टी बोल पड़ी, पूछती है कुम्हार से, कुम्हार अब तक तो तुम मुझे चिलम बनाते थे, आज घड़ा क्यों बना रहे हो? कुम्हार ने क्या कहा? विचार बदल गया। क्या कहा? विचार बदल गया।
तो मिट्टी क्या बोलती है? अरे कुम्हार, तुम्हारा तो केवल विचार बदला, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। पहले चिलम बनती थी और क्या होता था, मुंह में आग भरी जाती थी, स्वयं जलती थी और दूसरों को जलाती थी, और अब घड़ा बनने जा रही हूँ। स्वयं शीतल भर जल भरा जाऊंगी, स्वयं शीतल बनूंगी और दूसरों को भी शीतलता दूंगी। चुनाव आपको करना है, आप घड़ा बनना चाहते हैं कि चिलम? मिट्टी में नहीं है चुनाव, लेकिन आप में है। आप कैसा जीवन चाहते हैं? स्वयं के लिए अच्छा, दूसरों के लिए अच्छा, ये आप कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको जीवन को बदलने के लिए पहाड़ों पर जाना है, किसी मंदिर में जाना है, किसी आश्रम में जाना है, या कपड़ा बदलना है, घर बदलना, नहीं, न कपड़ा बदलना है, न घर बदलना है, न शहर बदलना है। क्या बदलना है? विचार। अच्छा सोचो, वाणी अच्छा बोलो, अच्छा करो, देखो जीवन बदलता चला जाएगा। और ये जीवन आपके हाथ में, या तो नहीं करेंगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। एक ही काम करें, जीवन को बर्बाद होने से बचाएं, जीवन का उत्थान करें। बहुत मूल्यवान है हमारा जीवन, बार बार ना पाइए मानुष जन्म की मौज। ये मनुष्य का जीवन मिला है उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, आत्म साधना के लिए, आत्म शांति के लिए। ये काम करें और वो तब संभव है जब आपके विचार पवित्र हों, शब्द मधुर हो और आपकी इंद्रियों से सही काम हो। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से इन बातों को सुने, न मैं कोई कथा कहानी कह रहा था, न कोई शास्त्रों की बातें, सीधे आपका जीवन, आपके ही जीवन की बातें थी, हम सबके जीवन की बातें थी। हमारा जीवन हम सबके हाथ में है, हम चाहें जैसा जीवन जिए वैसा जीवन जी सकते हैं।